आपको यूं दिखा के चला गया, आईना दिखा के चला गया, और ओबामा ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी से प्राइवेट में कहा कि हिंदुस्तान में ये मजहब और जात की लड़ाइयों पर कंट्रोल करो। ये ओबामा ने मोदी से कहा। हमारे वजीर आजम तो खैर वो 25 लाख का सूट पहन के अपने आप को नौशा समझ रहे थे, सूट तो पहन लिए, और ओबामा की बात अब मालूम हुई। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि मस्जिदों की हिफाजत करना हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम अपने महलों की मस्जिदों को आबाद नहीं रखेंगे, अगर हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा नहीं करेंगे, अगर हम जहेज की लानत को खत्म नहीं करेंगे, अगर हम ये तलाक की जैसी ये बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, तो याद रखो हम कमजोर होते जाएंगे। तलाक अगर देना है तो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने जो कहा है कि एक वक्त में नहीं बल्कि गुनाह है, वो सही तरीके से उसको दीजिए। मौका मत दीजिए अग्यारों को कि वो शरीयत में तरमीम की बात कर सके। याद रखो, आज अगर ये लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं, मुस्तकबिल में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तमाम चीजों पर गौर करें। और मुझे, मैं जब यहां पर आ रहा था तो हमारे एक सहाफी दोस्त ने मुझसे कहा कि असद साहब, आप मेराज फैजाबादी का ये शेर अवाम में जरूर पढ़िए। और मेराज फैजाबादी ने बड़ा खूब लिखा कि अपनी काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, तो पुकारेगा तो आए सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो आए सहने हरम आएंगे। अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदखात अलम का। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। क्या आप तैयार हैं अबाबिलों की शक्ल में अपने काबे को बचाने निकलेंगे आप? क्या आप अपने मस्जिदों को बचाने के लिए निकलोगे अबाबिलों की शक्ल में? मेरे भाई, हमको निकलना है। याद रखो, ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यही कब्रस्तान मेरे सीधे हाथ की तरफ कैसरुद्दीन ओवैसी भी जमीन की गिजा बन जाएगा। तुम भी बनोगे, सब बनेंगे। मगर याद रखो, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो। याद रखो, अगर जीना है तो सीना तान कर जियो, भीख मंगों की तरह अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार मत हो जाओ। जीना है तो हिंदुस्तान में दस्तूर ने जो हमको हक दिया, उस हक को हम हासिल करके रहेंगे। हम हिंदुस्तान में मोहन भगवत या विश्व हिंदू परिषद या फिरका परस्त ताकतों के डराने से नहीं डरेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमारा और हमारा रहेगा।